तो गाइज ये वीडियो होने वाला है एक एनालिसिस वीडियो और यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 7 के लिए दबंग दिल्ली टीम को। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालाइज करते हैं दबंग दिल्ली के रेडर्स को। तो दबंग दिल्ली के पास इस बार टोटल 5 रेडर्स हैं, नवीन कुमार, चंद रंजीत, अमन काडिया, नीरज नरवाल और सुमित कुमार। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 बहुत बड़े रेडर हैं, नवीन कुमार और चंद रंजीत, जिनका लास्ट सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इनके पास सिर्फ 5 ही रेडर है तो वो गलत है, इनके एक और बहुत बड़े रेडर हैं मिराज शेख, जो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इनका जो लास्ट सीजन का रेडिंग लाइनअप था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज वहाँ पे पवन कुमार कादियान भी थे जिनको आप कभी भी ला सकते थे जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी नवीन, चंद रंजीत या फिर मिराज में से कोई अच्छा ना खेले तो। लेकिन इस बार आपके पास वो चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी रेडिंग लाइनअप, बिकॉज इनके पास 3 बहुत तगड़े रेडर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेकेंड और थर्ड रेडर है, तीनों बहुत तगड़े रेडर हैं जो किसी भी टीम के नंबर 1 रेडर बन सकते हैं, चंद रंजीत, नवीन कुमार और मिराज शेख, और तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी है रेडिंग में। तो सबसे अच्छी बात यह है दबंग दिल्ली के लिए। तो मेरे हिसाब से दबंग दिल्ली के रेडर्स इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये इस बार कमाल दिखाने वाले हैं। तो रेडर्स के बाद अब हम एनालाइज करते हैं दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स को। तो दबंग दिल्ली के पास इस बार टोटल 8 डिफेंडर्स हैं, जोगिंदर नरवाल, रविंदर पहल, विशाल माने, साइद जफारी, प्रतीक पाटिल, सत्यावन, अनिल कुमार और सोमवीर। मैं आपको बता दूं कि एक और डिफेंडर इनके पास बहुत अच्छा जो है मिराज शेख, जो कवर पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज़ इनकी आप डिफेंस देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है, 2 इनके पास प्रॉपर कॉर्नर्स हैं, जोगिंदर नरवाल, रविंदर पहल। जोगिंदर नरवाल सीज़न 6 से पहले आप कह सकते हो फॉर्म में बिल्कुल नहीं थे, उससे पहले वो बेंगलुरु के लिए खेले थे और भी जिस टीमों के लिए खेले थे बिल्कुल अच्छा नहीं खेले थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। लेकिन जब उनका कवर कॉर्नर कॉम्बिनेशन बना रविंदर पहल के साथ तब उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला लास्ट सीज़न। और इनके पास जो सेकेंड कॉर्नर है वो है रविंदर पहल, तो रविंदर और जोगिंदर का ये जो कॉर्नर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली है और मेरे हिसाब से इनके दोनों कॉर्नर्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इनके पास कवर हैं विशाल माने, जो एक बहुत ही अच्छे कवर प्लेयर हैं। इसके अलावा आप मिराज शेख को भी कवर पे खिला सकते हो, जफारी भी अच्छे डिफेंडर हैं, मैंने इनको देखा है ईरान के लिए खेलते हुए। और यहाँ पर कुछ आपको यंगस्टर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे पाटिल, सत्यावन, अनिल, लेकिन सोमवीर को तो हम सब जानते हैं, तेलुगु के लिए पहले भी खेल चुके हैं, एक मैच में 10 पॉइंट इन्होंने लिया था, 10 टैकल पॉइंट्स, जो एक बहुत बड़ी बात है तेलुगु के लिए खेलते हुए। और ये पिछले बहुत सीज़न से तेलुगु के लिए खेल रहे थे लेकिन लास्ट सीज़न इनको मौका नहीं मिला बिकॉज उनके पास अबुजर मिघानी थे, जिसके कारण इस बार तेलुगु ने इनको रिलीज़ कर दिया है और इस बार दिल्ली ने इनको खरीद दिया है। तो गाइज़ ये है दबंग दिल्ली की इस बार टोटल डिफेंस लाइनअप, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें आप मिराज शेख को भी हमेशा ऐड करके रखना, बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ इनके पास विजय भी है जो पटना के लिए खेलते आ रहे हैं कुछ सीज़न से, लेकिन इस बार वो दबंग दिल्ली में है। तो इनकी डिफेंस लाइनअप को देखने के बाद मैं बोलूँगा कि इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास ओनली 2 ऑलराउंडर्स हैं, मिराज शेख और विजय, दोनों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिराज शेख बहुत अच्छे रेडर हैं प्लस बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है प्रो कबड्डी के। उसके अलावा इनके पास विजय हैं जो पटना के लिए लास्ट सीज़न से खेलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इनको दिल्ली ने खरीदा है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। बिकॉज इनके पास मिराज शेख है और आप कह सकते हो विजय है, इसलिए मैं इनकी ऑलराउंडिंग लाइनअप को भी अच्छा बोलूंगा। तो गाइज हमने डिफेंस, ऑलराउंडर्स और रेडर्स के बारे में बात कर लिया, अब हम ओवरऑल बात करते हैं टीम कैसी है। रेडिंग में जैसा मैंने बोला ये टीम बहुत अच्छी है, डिफेंस में भी बहुत अच्छी है और ऑलराउंडर्स भी इनके पास अच्छे हैं, तो फोर से और इनका मतलब टीम बहुत अच्छा है। लास्ट सीजन भी ये टीम अच्छा खेली थी, क्वालिफाई हुई थी प्लेऑफ्स के लिए और प्लेऑफ्स में उतना कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन बहुत अच्छी टीम है मेरे हिसाब से। इस बार भी ये कुछ कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से अच्छा है और इस बार भी ये टीम क्वालिफाई करेगी ऐसा मेरे को लगता है। आप मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में लिखकर बताना कि आपके हिसाब से दबंग दिल्ली इस बार क्वालिफाई करेगी या नहीं, या फिर दबंग दिल्ली इस बार कहाँ तक जाने वाली है। और बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।